इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं, इसमें एक डेटा केबल है एंड इसका पूरा रिव्यू करके दिखाते हैं। एंड गाइस पैकेज हमें कुछ इस टाइप से मिल जाता है, बाकी लिंक्स वगैरह नीचे डिस्क्रिप्शन में तो मैं दे ही देता हूं ऑफर वाला। अगर आप भी टाइप सी ट्यूब टाइप सी केबल ढूंढ रहे हो तो भाई डेफिनेटली गाइस लिंक को जाकर के चेक करना। एंड गाइस इसकी पैकेजिंग को बॉक्स को हम ओपन करते हैं एंड यहाँ पे गाइस हमें जैसे इसको ओपन करते हैं भाई साहब, इस डब्बे के अंदर में एक और डब्बा गाइस हमें मिल जाता है एंड बहुत ही छोटा सा प्यारा सा वन प्लस का डैश चार्जर हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। एंड ये देख सकते हो, तो वन प्लस फैंस वगैरह या फिर दूसरे फोन्स वगैरह में भी काम कर लेता है। वैसे मैंने ये वीवो फोन के लिए मंगाया है। एंड गाइस बॉक्स के अंदर में जो है ना सिंपल सा ही, देखो ऊपर में वन प्लस वगैरह लिखा है, पीछे में जो है ना थोड़ी ब्रांडिंग डिटेल वगैरह देके रखा है, बट अंदर में देखा जाता है टाइप सी केबल जो है ना कुछ इस टाइप से आ जाता है भाई साहब, क्लिप्स के साथ में देके रखा है। एंड इसको जैसे हम यहाँ से निकाल लेते हैं, ये निकल गया एंड साथ में ये निकल गया, अच्छा है, ये क्लिप्स डाल करके बैग वगैरह में रख सकते हो। एंड ये भी प्लास्टिक निकल गया एंड केबल कुछ इतना 1.25 मीटर्स की केबल है ना, ऊपर में देख सकते हो यहाँ पे जो ना पूरा प्रोटेक्टिंग केस लगा के रखा है। इसको जब निकालेंगे तो हमें जो ना दोनों का टाइप सी यानी दोनों की तरफ से जो ना टाइप सी टू टाइप सी यहाँ हमें देखने को मिलता है। एंड अगर केबल की क्वालिटी की मैं बात करूँ, यहाँ पे जैसे देख सकते हो बहुत ही थिक एंड मोटा एकदम हार्ड ये चीज है, पूरा जो वायर है एंड बहुत ही टैंगल फ्री है, तो डेफिनेटली कैसे टैंगल वगैरह नहीं होगा एंड क्वालिटी मुझे बहुत ही ठीक ठाक लग रही है। इसको थोड़ा हम टेस्ट कर लेते हैं एंड मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना अच्छा है एंड कैसा काम करता है। फोन वगैरह में अच्छे से काम तो कर रहा है एंड पावर डिलीवरी वगैरह भी ठीक है, बट जो वॉप चार्जर या फास्ट चार्जर का जो होता है ना फोन पे, वो ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो मेरे पास 30 वॉट्स का चार्जर है, कुछ और चार्जर्स वगैरह में भी हम इसको डाल करके टेस्ट करेंगे, वन प्लस के फोन वगैरह में डाल करके टेस्ट करेंगे, तो आप बने रहना वीडियो पे, मैं बताऊंगा अभी।